Annabelle the Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and I am vlogging today aaj hai 20th August. August, whatever it is. And aaj hai Friday. Abhi baj raha hai subah ke 10:56 aur main car mein hu kyunki aaj hum log ja rahe hain Kanpur. Like aaj hum Kanpur ke liye nikal rahe hain. So we are going there to celebrate Raksha Bandhan. Mamma ke brothers wahan rehte hain. Hamare mama ji to hum wahan ja rahe hain. And we are going through a road trip. So it is going to be super fun. But इतनी बड़ी road trip like बहुत time लगता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए. इतनी बड़ी road trip के लिए बहुत सारी preparation करनी पड़ती है. वही हम कर रहे हैं. I am here at my mobile right now क्योंकि मुझे वो plug लेना है जिससे GoPro charge हो सके, iPhone charge हो सके और बहुत सारी चीजें charge हो सके. वो multiple pin वाली वो सारे काम करने हैं. और दीदी अपना एक एयरपोर्ट एक कैफे में भूल आई थी वो पिक करना है. एंड देन मैंने थोड़े बहुत कपड़े स्टिचिंग ऑल्टर के लिए दिए थे वो पिक करने हैं. सो वी गॉट अ लॉट टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग. सो या जॉइन मी गाइस. शाइन ब्राइट अप ऑल नाइट व्हेन नेवर स्लो वेंट डाउन. चांदी तू कीड़ा वीड़ा तो नहीं लाई? ये मेरा एयरपोर्ट लेके आई है जा. शी इज फिल्मिंग. कितने टाइम बाद तुझे मिल रही है? एक हफ्ते बाद. ओके गाइज आई एम बैक होम एंड दीदी स्टूडियो पे वो वीडियो बना रही थी वो वही कर रही है. यहाँ पे मैं और मम्मा पैकिंग कर रहे हैं तो आधी पैकिंग हो चुकी है आधी बाकी है. देन वी विल बी डन. पता है ये जो रोड ट्रिप होती है ना इसमें पैकिंग बहुत अलग होती है और बहुत सारी चीज आपको एडजस्ट करके रखनी पड़ती है. सो बहुत मजा आने वाली है. लेट्स पैक एंड लेट्स गो. गाइस हमने डाइनिंग टेबल पे कपड़ा वपड़ा डाल दिया है. सारी चीजें पैक हो चुकी है. आधे से ज्यादा सामान नीचे चला गया है. यहाँ पे बस थोड़ी बहुत मिठाइयाँ और जो कल हमें चेंज वगैरह करना है खाना पीना रखा है. मैं एक बात बताना चाहती हूँ. इस घर में पहली बार ताला लग रहा है और हाँ. हम लोग ताला लगा के जा रहे हैं. मेरी मम्मी और पापा लिटरली अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं. ये लोग अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कोई ना कोई तो रहा है. मेरी बचपन की याद से अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है. बोलती स्पा करवाने चल. ठीक है मजा तो आई लेकिन वो जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो बाल खींच रहा था. मेरे को बहुत ऑकवर्ड होता है उनको बोलने में मेरा बाल खींचा. दूसरी चीज ने कहा जानवी हम लोग बहुत लैपटॉप पे काम करते हैं तो मेरे पीछे की पीठ दर्द होने लगी. इसने बोला बैक मसाज करवा के. अब मैं बैक मसाज करवा के आई तब तो अच्छा लग रहा था लेकिन उसने इतने प्रेशर से किया है. ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसा लग रहा है नई पीठ लगवाई बट आज वही पीठ दुख रही है मेरी. वापस तेरा दिमाग खराब है. एक और वो स्पा करवाना पड़ेगा ताकि मेरी पीठ रिलैक्स हो. मम्मी आप थप्पड़ मारो. वो दीदी ने थोड़ा ज्यादा जोर से कर दिया. गाइस मामा बीइंग द एक्सपर्ट उन्होंने सारा सामान रख दिया. मुझे तो लगा नहीं था. मुझे भी नहीं लगा था. हम निकल क्यों नहीं रहे? क्योंकि पापा की ईयरफोन्स नहीं मिले. पहले दे देते हैं ना. पापा खुद रह सकते हैं अपने ईयरफोन छोड़ के नहीं आ सकते. मम्मी कहेंगे पापा ही तो तुम्हारे लेट करते हैं. पापा इसे ग्रीन नहीं ब्लू कहते हैं यार. एक तो हमारे वहाँ पे सब कलर ब्लाइंड है मुझे ऐसा लगता है. मम्मी का रेड ऑरेंज मरून पिंक एक ही होता है. सब रेड होता है. आज हम मैं और दीदी लिटरली लास्ट आके सबसे पहले कार में बैठे हैं. मम्मी पापा खेल रहे हैं. इन लोगों का आधा घंटा तो ताले डिसाइड करने में. ये गोपाली बेटा हाँ इसका कैमरे कनेक्शन उल्टी हो गई. अरे भाई साहब मैं तो ठोक देती. मैं तो रिवर्स हो गया. जो रिवर्स कैमरा है ना वो इधर का साइड उधर दिखाता है उधर का साइड इधर. मामा आपने बता दी सही किया. गणपति बप्पा मोरिया. ट्रेन से जाते थे ये मैडम के हाथ में जो आता था खिड़की के बाहर. कितने तो ग्लास कितने टॉवेल जो भी मिलता था खाना मिलता था सब उठा के खिड़की के बाहर. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Hello guys, जैसे हाईवे स्टार्ट हुआ था मैं और मम्मा सो गए. ऐसे करके सोइए पूरी अपने आप को तय करके. मैं और मम्मा सो गए थे एंड अभी कर्जन आया है. कर्जन बड़ोदरा के आ गया है
एंड अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन वी विल गो बैक ऑन आवर जर्नी. आई जस्ट गोइंग विद अ नाइस कप ऑफ कॉफी. तुम लोग चाय लो. सो के छिड़कन कभी उल्टी तो सीधी. बढ़िया टाइम पास हो. घर पे काम करते हैं, यहाँ कोई काम नहीं है. सोनुड़ी हैप्पी रक्षाबंधन. अरे ये तो मैंने मजाक में बोला था. ये हमारी तरफ से ब्रो ले. खाना खाते हुए कैमरा मैन. हाँ देख लो ये दिया है. रिटर्न में भी इससे महंगा मिलना चाहिए. रिटर्न में दो डब्बा मिलेगा. व्यवहार ये देखो. ये देखो मेरा वीडियो. थैंक यू सेलू मैडम. ओके गाइज वी हैव रीच्ड अहमदाबाद एंड आई एम गोइंग टू स्लीप. ये सेलू मेरे को परेशान कर. मेकअप निकल. The next day. Hello guys, good morning. It is the next day. और अब हम निकल रहे हैं. चले सुबह सुबह. दीदी इतने सुबह कैसा लग रहा है उठ के? Very good. I feel sleepy. चलो और वो 5 इसी के लिए रखा था कि 6:30 तक निकल पाए. It is a tea break. बढ़िया चेंज इन पोजीशन हुई है. मामा को मजा आ रही है. अभी तक ये मैडम आराम से आगे वाटर व्यू वाटर वेदर कर रही थी. ये मैडम पीछे सिर्फ सोए जा रही थी. अब मैं आगे बैठी. ये तब से रो रही है. पापा ने मुंह पे कह दिया बेटा तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है. तो नहीं, 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 पापा ने पूछा मैंने फोटो कैसी ली. मैंने बोला कुछ खास नहीं लिया आपने. कहते तुम ही लोग अच्छे नहीं लग रहे थे. मैं तो फोटो अच्छी लेता. दोनों मुंह इधर सामने से. दोनों का मुंह इधर उधर सामने से. फोटो एक ने मुंह नीचे रखा उधर का बात करता. इसको ज्यादा ही लंबा जर्नी हो गया यार. अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ. मैं इतना खा लूंगी कि मैं हिला ही नहीं जा और मैं सोती रहूंगा. खाना दे दो. गाड़ी रुकी है. हमने जयपुर क्रॉस कर लिया है और ये जयपुर आगरा हाईवे है एंड हम ढूंढ रहे हैं नाश्ता. दीदी कैसा लग रहा है? दीदी को फाइनली अपने नशे मिल रहे हैं. वो निकालना पेपर डोसा. पेपर डोसा चाहिए? नहीं. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाने. चलो. The weather is so freaking good. हम कहाँ गए? आगरा. आगरा हमारा ये आज नाइट स्टे यहाँ होने वाला है. हेलो गाइस, सो वी आर इन आगरा और हमने लिया है ये रूम और हम यहाँ पे आज रात स्टे करने वाले हैं और फिर कल सुबह वापस हम हमारी जर्नी पे निकल लेंगे. सर सी यू टुमारो. हम काफी ज्यादा थके हैं. यस, यहाँ से एक्चुअली कानपुर बहुत दूर नहीं. इट इज जस्ट टू, मतलब हमारा जो नानी का घर है कानपुर से थोड़ा पहले. दैट इज 2 hours. बट स्टिल हमने स्टॉप लिया. हम कल जाएंगे क्योंकि अभी रात भी होगी काफी. सो सी यू टुमारो.
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। मैं और दीदी लास्ट पर्सन होते हैं घर पे नहाने वाले, बट जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं हम दोनों सबसे पहले नहा रहे होते हैं, तो हम लोग नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। मामा, अब कानपुर पहुंचने में कितना टाइम? नानी के घर पहुंचने में कितना? 3 घंटे। 3 घंटे की और राइड है, बस उससे पहले प्लीज कुछ खिला दो। मम्मी ने नहाया नहीं आज, तो मम्मी व्लॉग में नहीं आना चाहती। मम्मी ये बताओ, कितना एक्साइटेड हो नानी के घर जाने? बहुत ज्यादा। सो गाइस, हम चढ़ गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और हमारे पास है सब गरम गरम जलेबी। टेस्ट करा मुझे यार, कितनी मीन है, बहुत क्रिस्पी है। मैं खा I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try puff on the left side, put it up in your mind? मैडम के लंग्स फ्रैक्चर होने वाले हैं। नहीं, मेरे एक बहुत गंदा बम्पर आया था और मेरे लंग्स में झटका लगा था एकदम से। मैंने कहा ये क्या हो गया। हाँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वॉज वेरी गुड, वेरी क्लीन। यहाँ मीटर लगाने की जगह नहीं मिली, उन्होंने पेड़ में ही सरकारी मीटर लगाया। मजा आया। नमस्ते।